रहा है शुद्धिकरण करने के लिए। पहले तो अपने दिमाग का शुद्धिकरण करे, अपने आप का शुद्धिकरण करे, तब सोचे कि दुनिया में किसको शुद्ध करना है किसको। इनकम टैक्स छापा मारने जाऊंगा, पैसा कहाँ से आया? आज 11 लाख रुपए दे रहे जीप काटने के लिए, कल 1 करोड़ रुपए देंगे मर्डर करवाने के लिए। करेंगे कि पहले वो अपनी आत्मा की आत्म शुद्धि कर ले। जब एक अभिभावक के रूप में मांझी जी ने कहा कि हमने ब्राह्मणों के लिए नहीं कहा है। ब्राह्मण समाज के आह्वान के बाद जीता नाम मांझी की घरों की सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। तस्वीर ब्याह कर रही है जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री जीता नाम मांझी की घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई। बता दें कि तमाम हिंदू संगठनों द्वारा आज पूर्व मुख्यमंत्री जीता नाम मांझी के घर में शुद्धिकरण और सत्यनारायण भगवान की कथा कहने का आह्वान किया गया है। आज 23 तारीख और आज ही का दिन है, 12:30 बजे समय बताया गया है। लेकिन ठीक उससे पहले देखिए तस्वीर, तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम में लग गए हैं। मंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जीता नाम मांझी के घर के आवास के बाहर की नजारा है कि जहाँ पे पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था जो है वो देखने को मिल रही है। ये तस्वीर है जीता नाम मांझी के घर के आवास के बाहर की, जहाँ पे तमाम पुलिसकर्मी अपने अपने जिम्मेवारी जवाबदेही को तय करने में लगे हुए हैं। यहाँ पे कार्यकर्ता भी हैं, पार्टी के नेता भी हैं, सभी लोग यहाँ पे मौजूद हो गए हैं और सभी लोग जो है इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब वो लोग आए। चूँकि जिस तरीके से ब्राह्मण समाज तमाम हिंदू संगठनों द्वारा आह्वान किया गया है कि आज जो है शुद्धिकरण किया जाएगा, जीता नाम मांझी की आवाज को शुद्धिकरण किया जाएगा, उसके बाद ये नज़ारा है जीता नाम मांझी के आवास के बाहर का नज़ारा है। तमाम पुलिसकर्मी जो है वो लगा दिए गए हैं। हालांकि कल भी यह तस्वीर नज़ारा देखने को मिला था और आज भी यह देखने को मिला है, क्योंकि आज ही का समय है जब तमाम हिंदू संगठनों द्वारा आज जो है वो जीता नाम मांझी के घर के शुद्धिकरण और सत्यनारायण भगवान की कथा करने की बात की गई है। और उससे पहले हालांकि जो बयान जीता नाम मांझी ने दिए थे, उन्होंने फिर से कहा है कि हम ब्राह्मण नहीं बल्कि ब्राह्मणवाद के खिलाफ है। जो ब्राह्मण अपने आप को कहते हैं और मांस मदिरा का सेवन करते हैं उनके खिलाफ ये बात हम 1000 बार कहेंगे कि वो हरामी है। तो ये तस्वीर है लगातार जीता नाम मांझी के घर के बाहर की है। तस्वीर आप बता दें कि यहाँ पे आज सुरक्षा बढ़ा दी गई है घर की, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हिंदू तमाम संगठनों द्वारा आह्वान किया गया कि शुद्धिकरण किया जाए। आपके पास क्या लगता है? ये कुछ असामाजिक तत्व के लोग हैं जो चाहते हैं कि इस मामले को तुल दिया जाए। हमारे मांझी सर कह चुके हैं कि हमसे अगर कुछ ऐसा शब्द निकल गया है जिससे किसी भी ब्राह्मण को ठेस पहुंचता है तो उसके लिए वो खेद प्रकट कर चुके हैं। बावजूद अगर कुछ असामाजिक तत्व इसको तुल देते हैं तो उस तुल को देने के लिए आज सुने हैं कि यहाँ पे हवन करने आ रहे हैं शुद्धिकरण करने के लिए। पहले तो अपने दिमाग का शुद्धिकरण करे, अपने आप का शुद्धिकरण करे, तब सोचे कि दुनिया में किसको शुद्ध करना है किसको अशुद्ध करना है। अब वो ठेका ले रखे हैं शुद्धिकरण का, काहे का शुद्धिकरण? तुम तो खुद भ्रष्ट हो, क्या शुद्धिकरण करोगे तुम? बीजेपी नेता पे कार्रवाई हुई है, आप लोग मांग किए थे बीजेपी के तरफ से, बीजेपी के नेता पे जो कार्रवाई हुई है उसका हम स्वागत करते हैं। पर जो हमारे मांझी जी को बोले हैं गजेंद्र झा जी कि उनके जीव काट लिए जाएंगे माननीय जीतन राम मांझी जी के, तो उस पे हम SC ST Act लगाएंगे और उसके अंतर्गत संविधान पे हमें भरोसा है और न्याय मिलेगा, ये हम विश्वास के साथ कहते हैं। कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है क्या? नहीं, कार्रवाई संतुष्ट नहीं है, उनको तो जेल जाना चाहिए। इसलिए जेल जाना चाहिए वो जो बोल रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो, यहाँ के रह चुके हैं, सब व्यक्ति भाषा बोले और उनके साथ ऐसा भाषा बोला जा रहा है। और जो 11 लाख का बोल रहे हैं उनको तो इनकम टैक्स छापा मारने जाऊंगा, पैसा कहाँ से आया? आज 11 लाख रुपए दे रहे जीप काटने के लिए, कल 1 करोड़ रुपए देंगे मर्डर करवाने के लिए। वो किनको बोले? उस व्यक्ति को बोले हैं जो सारे लोग को लेके चलते हैं, सब गरीबों को बोला जाता है कि नहीं दलित है तो दलितों को उन्होंने बोला, किसी खास पंडित जी को नहीं बोला। मैं पंडित जी को आदर करता हूँ, उन लोग को सब पूजनीय है पंडित जी, ये भी जानता हूँ पंडित जी कोई खराब नहीं है, पूजनीय होते हैं। मरीजता से शब्द बोलने से पहले भी अपना भी सोचना चाहिए। ठीक है, हमारे पूर्व सीएम जीताराम मांझी सर ने माफी 2 बार मांगा और बोला कि अगर उनको लगता है तो मैं
उनके लिए क्षमा मांगता हूँ। उसके बाद भी इस तरह से तुल देना आप बात को बढ़ाना ये गलत बात है, इस चीज नहीं होना चाहिए। देखिए जिन ब्राह्मणों को लेकर बातें कही गई है, ब्राह्मण समाज से आते हैं, अपमान किया जा रहा है मांझी जी के द्वारा, बीजेपी को कह रही है, बीजेपी के नेता कहा है? देखिए जिन्होंने कहा है उन्होंने अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, अपने चेहरे को चमकाने के लिए कहा है। मांझी जी ने स्पष्ट कहा है कि हमने जो शब्द का इस्तेमाल किया वो ब्राह्मणों के लिए नहीं किया। जब ब्राह्मणों के लिए उन्होंने नहीं किया और बिहार के सम्मानित पद पे भी रहे हैं और अभिभावक भी हैं, तो हमें नहीं लगता है कि इस बयानबाजी पर इस क्षणिक जो ब्राह्मण संगठन है जो अपनी स्वार्थ लिप्तता के कारण संगठन को एक मजबूती के लिए एक रास्ता खोज रहे थे और उस रास्ता का उपयोग ब्राह्मण हित में नहीं अहित में कर रहे हैं। और मांझी जी जब अपने बातों पर यह स्पष्ट कहा है कि हमने यह बात नहीं कही है, तो ये इस विवाद को अविलंब रोकना चाहिए। मैं भी ब्राह्मण हूँ, मैं चाहूंगा कि इस तरह की बातों पर अविलंब रोक लगे। आज पार्टी के शुद्धिकरण पार्टी कार्यालय पूजा पाठ करेंगे, बताया गया है कि लोग आएंगे पूजा पाठ करेंगे। देखिए जो संगठन के लोग हैं अगर ब्राह्मणों के लिए अगर कुछ किए होंगे तो हमें नहीं लगता कुछ किए हैं। और हम तो ये आग्रह करेंगे कि पहले वो अपनी आत्मा की आत्मशुद्धि कर लें। जब एक अभिभावक के रूप में मांझी जी ने कहा कि हमने ब्राह्मणों के लिए नहीं कहा है, तो फिर इसे तूल देने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल, ये तस्वीर, ये नजारा जीतना मांझी के आवास के बाहर की है, जहाँ पे तमाम पुलिसकर्मी को लगा दिए गए हैं, क्योंकि ब्राह्मण समाज और तमाम हिंदू संगठन जो है उसका आह्वान किया गया है कि साफ तौर पे कि आज जो है हम का जो पार्टी कार्यालय है उसका शुद्धिकरण किया जाएगा। और सत्यनारायण स्वामी की कथा जिसको लेकर जीतना मांझी ने बातें कही थी कि सत्यनारायण स्वामी की कथा हरामी ब्राह्मण जो आते हैं वो करवाते हैं और पैसा लेकर चले आते हैं, उसी को लेकर मामला तूल पकड़ा है। और ब्राह्मण समाज और तमाम हिंदू संगठन की बात की जाए, कई संगठन उसमें आह्वान किया है कि आज जो है जीतना मांझी के घर जो जहाँ पे पार्टी कार्यालय भी है उनका, वहाँ पे जाके पार्टी कार्यालय का शुद्धिकरण किया जाएगा। तो ये नज़ारा है, इन्हीं तस्वीरों के साथ हम आपको छोड़ जाते हैं। देखते रहे हेडलाइंस बिहार, नमस्कार।